तो गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम मीन्स जो 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी यूनिटी नहीं है, ठीक है, यूनिटी नहीं है। एंड उसमें से जो 50% स्टूडेंट है उनकी डिमांड ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उनको ऑनलाइन मोड में ना कंडक्ट करते हुए उसको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर आधे स्टूडेंट चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो एंड आधे स्टूडेंट चाहते हैं ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंफ्यूज है एंड वो जो 50% लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑफलाइन कंडक्ट हो पेपर, उनकी वजह से ही जो है स्टूडेंट के ऑनलाइन पेपर नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं। एंड ये बात बिल्कुल सच है एंड इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप लोग इस क्लिप को देखो, इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है 50% लोग के साथ है, मीन्स जो भी 50% लोग है जो चाहते हैं कि ऑफलाइन पेपर हो उनके साथ है, देख सकते हो आप लोग। विद्यार्थ्याची मागणी नाही आहे, आता रस्त्यावर येणारे विद्यार्थी पूर्ण महाराष्ट्र जर तपासले तर 1,000-2,000 निघल। आता 20 लाख विद्यार्थी अजून त्या सगळ्याच्या मध्ये प्रोसेस मध्ये आहे, त्यांना सगळ्या विद्यार्थ्यांना ही मागणी केली असं म्हणणं काही फार उचित नाही होणार। बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे निवेदन आहे आमच्याकडे आहे का परीक्षा घ्या, ऑफलाईनच घ्या, पण थोडा उशीर द्या आणि कमी मार्काची घ्या। काही विद्यार्थ्यांची मागणी असू शकतं हे मला मान्य आहे, त्यांची मागणी विचारात घेतली पाहिजे हे मला मान्य आहे।